वाह वाह वाह, क्या हवा है, मजा आ गया। लव नहीं, कितना प्यारा सूखा झाड़ है। मेरा ख्याल है हम लोग आ गए। ओहो, अरे चल यार। प्लीज इशू है भाई। विजय मंदिर एक तारी, विजय मंदिर, विजय मंदिर एक तारी। बाबूजी कहाँ जाना है? बस्ती। विजय मंदिर एक तारी, बस्ती नहीं, एक तारी विजय मंदिर। कहाँ जाना बाबूजी? बस्ती चले गए। बस्ती, माफ कीजिए बाबूजी, बस्ती वैसे नहीं जाते। एक तारी विजय मंदिर। बस्ती। अच्छा 30 रुपया देना। बाय समीर, कोई बस्ती चलने के लिए तैयारी नहीं। एक सवारी विजय मंदिर, चलो से चल के पूछते हैं। विजय मंदिर, एक सवारी विजय मंदिर। बस्ती चले गए। बस्ती, बस्ती हम नहीं जाएंगे साहब, हरगिज नहीं जाएंगे। क्यों? अरे 20 मील दूर है साहब। अरे तो क्या हुआ? Oh, how beautiful! Artesian Lauren Chandanagar. Lakshmi, be careful. ये रशिया नहीं, हिंदुस्तान है। हेलो अंकिल। हेलो, हाउ बेटी? अंकिल, हमें डॉक्टर समीर का बहुत इंतजार है और हमारा टेलीफोन खराब है। अब आपको ये काम करना होगा, बॉम्बे ट्रंक कॉल करके ये पता कीजिए कि डॉक्टर समीर मॉस्को से आए कि नहीं। अरे बेटी, यहाँ तो टेलीफोन की मेन लाइन ही बिगड़ी हुई है। जैसे ही ठीक होगी मैं बम्बई ट्रंक कॉल करके तुम्हें खबर कर दूंगा। ये रहा हमारा बॉम्बे नंबर। ठीक है, थैंक यू अंकिल, इट्स ऑल राइट। मेरा ख्याल है ये बस्ती की तरफ जा रही है, मैं इसे अभी पटा के आता हूँ। फॉर लेफ्ट जाइए। अच्छा, हेलो हेलो, आप जानती हैं जानवर और इंसान में क्या फर्क होता है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। जानवर कभी किसी की मदद नहीं करता, लेकिन इंसान इंसान काम आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप बस्ती जा रही ना, मुझे मेरे दोस्त को भी वहीं जाना है। आप अपनी डिक्की खोलिए, मैं अपना बिस्तर लेकर आता हूँ। आप मुझे ऐसे घूर के क्या देख रही है? हम आपको तेल की और पेट्रोल की पैसे दे देंगे। ऐसा कीजिए, आप अपना सामान लेकर वहां खड़े हो जाइए, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। ओह दैट्स अ गुड गर्ल, थैंक यू थैंक यू। ओह खोले खोले खोले। अरे टंगे वाले, बस्ती चलो जा। ब्रिंग द कार सून। क्यों लगे तेल और पेट्रोल के पैसे? नो, वो तेल लेने गई है। साहब, आप लोगों की हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। आइए कोशिश करता हूँ, शायद हम लोग सूरज डूबने से पहले बस्ती पहुंच जाए। आइए आइए, चलिए। टांगे वाला, तुम्हारे पास एक और पैजामा है। चलो। मेजर साहब, अब बचो मेरे हाथी से। अजी, तुम ये हाथी घोड़े ही लड़ाते रहोगे, कुछ अपने बेटे की भी खबर है या नहीं? जब देखो शतरंज के बैठ जाते हो। इसमें हंसने की क्या बात है? अभी अभी ट्रंक कॉल करने गई है, हाथी होगी। लो वो आ गई। आई एम सॉरी आंटी, सब टेलीफोन खराब हैं, यहाँ तक कि टेलीफोन की मेन लाइन भी ऑटो पॉड है। ओहो, न जाने कब ये लाइन ठीक होगी। अरे भाभी, इंतजार और अभी और अभी और अभी। मेजर, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि किरण के साथ तुम भी यहाँ आ गए, वरना बेटे के इंतजार की घड़ियां बहुत कठिन हो जाती। 7 साल हो गए, अभी तक इतनी बेचैन नहीं हुई, लेकिन ये 7 घंटे काटने मुश्किल हो रहे हैं। भगवान मेरे समीर को 7 खैरियत के यहाँ पहुँचाए। समझ में नहीं आता पिछले 7 साल में चंदननगर इतना बदल क्यों गया है। हर शख्स के चेहरे पर डर, चारों तरफ उदासी छाई हुई है। आखिर ऐसी क्या बात है? बाबू साहब, यहाँ जैसे जैसे शाम करीब आती जाती है, रात का अंधेरा मौत की तरफ फैलता जाता है।
घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों? 5 कब्रें खुदी हुई पाई गई हैं, जिनमें से लाशें गायब हैं। ये सब बकवास है, कोई कब्रें क्यों खोदेगा? कब्रें कोई नहीं खोदता राहुल साहब, लाशें खुद ब खुद बाहर आ जाती हैं। सूरज ढलने के बाद इन लाशों को चलते हुए देखा गया है। समीर को तो यह भी नहीं पता कि चंदन नगर में लाशें गायब हो जाती हैं और रात को भी सफर भी नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो कि वो आज रात को ही आ जाए, मेरा तो दिल डर रहा है। तुम तो खामखा घबराती हो भाभी, अगर उसे आना होता तो टेलीग्राम नहीं भेजता। हाँ सावित्री, मेरा भी यही ख्याल है कि वो रात को सफर नहीं करेगा। ये टांगा क्यों रोक दिया भाई? रात आ रही है बाबूजी, अब इससे आगे हम नहीं जा सकते। मेरा घर पास ही है, आज रात आप मेरे यहाँ ठहर जाइए, सुबह होते ही। ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तब ऐसी आवाजें आती हैं। समीर, रॉबर्ट साहब ठीक कहते हैं, आज रात को हमें इनका मेहमान बनना चाहिए। नहीं, हम पैदल ही घर जाएंगे। लेकिन पहुंचेगी नहीं, डरपोक कहीं का। रॉबर्ट, तुम डॉक्टर बशीर को अपने साथ ले जाओ, मैं अकेला जाता हूँ। डॉक्टर साहब, ठीक है साहब, कल मेरा लड़का जॉर्जी ने आपके यहाँ छोड़ आएगा। जल्दी करो, हरी आप, हरी आप। क्या बंसी, कैसा है? ठीक है। जॉर्जी, रोजी, डैडी, जॉर्जी, डैडी देखो ना ये मुझे मारता है। और क्या करता डैडी, देखो ना, इससे अभी तक खाना नहीं बनाया। ओहो, बना तो रही हूँ, मुँह तो कहीं का। ओहो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह लड़ते हो। इंसान और जानवर में यही फर्क है, घोड़ों के बच्चों को कभी आपस में लड़ते हुए देखा है? नहीं ना, वो सारा दिन खेलते हैं, लड़ते नहीं। जॉर्जी जी, ये बाबू साहब आज रात हमारे यहाँ रहेंगे। जी जरूर आइए बाबू। थैंक यू, थैंक यू। आइए, मेहरबानी करके कल सुबह ऐसे भारत लॉन्ड्री में दे दीजिए। जी जरूर आइए। राम बहादुर। अरे बाबू साहब, आप कैसे हो तुम? अच्छा हूँ साहब, आपका तो सारा दिन इंतजार किया साहब, हम अभी सबको उठाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, रात बहुत होगी, सब नींद खराब होगी, मैं पीछे तरह से चला जाता हूँ। आइए साहब, चलो आइए साहब। सलाम साहब। थैंक यू। और सुनो, सोना नहीं साहब? तुम मत घबराओ, मैं मेजर हूं,
मैं इस चोर की ऐसी की तैसी कर दूंगा। चोर साहब, ओ चोर साहब, जरा इधर। अरे समीर, अरे तुम। पापा। बेटे समीर। कैसी है माँ? अच्छी हूँ बेटी, लेकिन तुमने बहुत इंतजार करवाया। अरे तुमने से पहचाना नहीं, ये किरण है, किरण। I'm sorry, मैंने आपको स्टेशन पर भी देखा लेकिन पहचाना नहीं, और यहाँ जब यहाँ जब तुम्हें देखा तो वो तुम्हें चोर समझी, बच्ची है ना, डर गई। अब अचके राजा। हाँ बाबू साहब, ये लीजिए आपके दोस्त का मकान। बस राजा, आलीशान घर है। आइए बाबू साहब, आप अंदर चलिए, मैं आपका सामान ले आता हूँ। जॉली गुड, जॉली गुड। सामान क्यों उतारना? कम ऑन जॉर्ज वेलिंगटन, जॉर्जी, चलिए कम ऑन। हेलो समीर, आइए आइए बख्शी साहब, आइए आइए, इनसे मिलिए। ये जैसे ना डॉक्टर बख्शी। हेलो, नाइस मीटिंग यू। हेलो, और फिर रात कैसे कटी? मच्छरों ने बहुत काटा, कछुआ छाप अगरबत्ती बाल करना पड़ा। अच्छा इनसे मिलो, ये हैं मेरे माता पिता। ओ पॉप, मॉम, आशीर्वाद दीजिए। जिधर बैठे जिधर, आओ बैठे। मैं अपनी सभ्यता नहीं भूला। ये टोपी तुमने कहाँ से खरीदी? रशिया में एक छोटा बाजार है जिसका नाम है चिज टोकली, वहां से लिया। और इनसे तो आप मिल चुके हैं डॉक्टर बख्शी? अच्छी तरह से मिल चुका हूँ। 5 रुपए 27 पैसे निकालिए। 5 रुपए 27 पैसे कहे के? भारत लॉन्ड्री का बिल, पत्नी की सफाई के। यस इंस्पेक्टर मुला। हाँ व्हाट? ओह नो, पता नहीं चंदन नगर में क्या हो रहा है। क्या हुआ? एक लाश फिर गायब। इन फौड़ों के निशानों से तो साफ पता चलता है कि यह काम किसी आदमी का ही हो सकता है। आदमी नहीं इंस्पेक्टर साहब, शैतान है, राक्षस है। इस गांव पर बुरी रूहों का साया है। नहीं रॉबर्ट, ये मैं नहीं मानता, ये तुम्हारा वहम है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कांस्टेबल साहब। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, हो सकता है कि सोने चांदी के लालच में किसी ने कवर। आइए आइए डॉक्टर विशाल, आइए। इस लाश के गायब होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकता हूं इंस्पेक्टर, ये काम जरूर किसी पागल आदमी का होगा। डॉक्टर साहब इनसे मिलिए, ये सेठ महिपत राय के बेटे डॉक्टर समीर, और ये है मशहूर डॉक्टर विशाल। हेलो डॉक्टर। हेलो, बड़ा अजीब आदमी। हाँ, अभी आप इनकी बेबी से नहीं मिले, सुना है वो शराब पर ही जिंदा है। जा रहे हो तुम? आज रात हो गई है, उल्लू भी अपने घरों में रहते हैं। ठीक कहती हो तुम, उल्लू ही घर में रहते हैं। क्या तुमने मुझे उल्लू कहा? नो डार्लिंग, तुम्हें उल्लू कहना उल्लू की बेइज्जती करना है। यू डेविल, यू मैनियाक, यू डॉक्टर, दूसरों की जिंदगी ठीक करने के लिए तजुर्बे करते रहते हो, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया? जिंदगी का थोड़ा सा जो वक्त रह गया वो मैं उसे छीनना चाहते हो। आबादी से इतनी दूर इस वीरान घर में लाकर मुझे पटक दिया, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना आदम, ना आदम साहब। ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, ये कब्र है। इस जिंदा लाश की तरह यही भटकती फिरती रहती हूँ। सुन भी रहे या बह रहे हो? तुम्हारी बेकार की बातें सुनने के लिए
मेरे पास वक्त नहीं है। क्या क्या मेरी बात बेकार हो गई है? आज बहुत देर कर दी। हाँ, आज घर में तूफान ज्यादा ही था। ठीक नहीं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसी जरा सुस्ती आ रही थी, योगा कर रहा था। एक बात है, मैं जब से चंदन नगर आया हूँ मुर्दों के बारे में ही सुन रहा हूँ। क्या कब्रिस्तान के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है? नो अदर पोर्शन पास्ट है? क्यों नहीं, आइए आज मैं आपको शिव जी के मंदिर ले चलती हूँ। शिव शंकर काटा लगे ना कंकर, जय भोलेनाथ जय काशी विश्वनाथ। बाबूजी जब कोई अप्सरा हो संग फिर पियो ये भंग, तब जमता है रंग, लीजिए और पीजिए। वाह, देवताओं के ब्योड़े का जवाब नहीं? अबे आप पकौड़ा, इसे ब्योड़ा नहीं देवताओं का अमृत कहते हैं। ओ, ये बात है, तुम्हें इसे बोतल में बंद करके रशिया ले जाऊंगा ताकि मेरे रशियन भाई इसे पीकर रशियन सर्कस करेंगे। अबे उनकी रशियन सर्कस तो बाद में होगी, लेकिन तुम तीनों की कमला सर्कस शुरू होने ही वाली है। खबर हो इस कदर यूं यूं जुड़ाओ ना, मेरे प्यार का मीटर चल रहा, अरे दिल का हीटर जल रहा। तुम बेखबर हो इस कदर यूं यूं जुड़ाओ ना, मेरे प्यार का मीटर चल रहा, अरे दिल का हीटर जल रहा। चुप रहो ना कुछ कहो यूं बल्ब बुझाओ ना। अरे बंद कर रहा, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरे प्यार का मीटर चल रहा, अरे दिल का हीटर जल रहा। तुम बेखबर हो इस कदर यूं यूं जुड़ाओ ना, मेरे प्यार का मीटर चल रहा, अरे दिल का हीटर चल रहा। Yeah.
डॉक्टर तुम मरी ठिकाना मुफ्त इलाज हम करेंगे नहीं चाहिए थी तुम झुक गए हम रुक गए अब और बताओ ना खामोश ओके 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 मेरे प्यार का मीटर चल रहा हर दिल का हीटर जल रहा तुम बेखबर हो इस कदर यूं फ्यूज उड़ाओ ना मेरे प्यार का मीटर चल रहा हर दिल का हीटर जल रहा डैडी डैडी आप यहाँ खड़े चलिए खाना खा लें जॉर्जी को आ जाने दो साथ ही खा लेंगे कितनी दफा मैंने उसे कहा है रात में घर से बाहर न रहा कर लेकिन वो मेरी सुनता ही कहाँ है लेकिन आज जॉर्जी कह गया था कि शायद देर हो जाए जैसे जैसे रात आ रही है बेटी न जाने क्यों मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं The Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. जॉर्ज की लाश कल रात कब्रिस्तान में मिली जिसका मतलब यह है जॉर्ज ने कब्र खोदने वाले को देखा होगा और उसका पीछा करते यहां तक आया होगा लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसी ने जॉर्जी का खून किया है मुझे यकीन है मैंने पुलिस की फाइल देखी है और उससे हमें यह पता चलता है कि जिस दिन लाश दफनाई जाती है उसी रात को वो गायब हो जाती है आज रात को मैं उसका इंतजार यही करूंगा मैं तुम्हें अकेला नहीं आने दूंगी मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं और
फिर मैं अकेला थोड़ी हूँ, बख्शी मेरे साथ है। बख्शी चलो। समीर, मेरा ख्याल है उस कब्र खोदने वाले को पता चल गया है कि हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वो नहीं आएगा, चलो यहाँ से। नहीं, हम उसका और इंतजार करेंगे, वो आज जरूर आएगा। जरूर आएगा, नहीं आए तो अच्छा है। बहादुर बख्शी, अगर आपकी हालत इतनी खराब हो रही है तो आप घर जा सकते हैं। मुझे घर तक छोड़ने तो चलो। कभी घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए मदद लेकर आता हूं। तुमको मना किया था आने के लिए? मैं तुम्हें इस खतरे में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? और तुमने तो कहा था कि बख्शी तुम्हारे साथ है। पूछो या तुम्हारी क्या मदद करेगा? किरण, तुम बहुत जिद्दी हो। I'm sorry. घर में किसी को पता तो नहीं? मैं चुपके से आई हूँ, किसी को नहीं पता। चुपके से आई तो चुपके से बैठो, आवाज नहीं, समझी? इंस्पेक्टर बुल्ला, इंस्पेक्टर बुल्ला, जल्दी चलिए। हाँ। समीर की जिंदगी खतरे में है। कहाँ है वो? फिल्मिस्तान में। क्या? आई एम सॉरी, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान? जी हाँ, आज फिर साबित हो गया है कि जानवर इंसान से ज्यादा अकलमंद होता है। क्या बकवास कर रहे हो? जानवर कभी मौत के मुंह में जाता है? नहीं ना, लेकिन समीर वहां पहुंच गया। मैंने खुद अपनी आंखों से एक साया आते हुए देखा, मौत का साया। मौत का साया? यस। चलो मेरे साथ। फोन बख्शी, चलो। समीर, ओ समीर, अब और कितनी देर इंतजार करोगे? कितनी रात हो गई है, अब वो नहीं आएगा। गज। Thank you.
बोलो 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 तुम बोलो। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये गुंगा है। ये गुंगा नहीं, गुंगा बनने का ठोंग करता है। आज छोट लिया भाई, मैं इसे बोलना सिखाऊंगा। ले चलो इसे। ठहरो, मैं भी साथ चलता हूँ, नहीं तो ये पैदरों भाग जाए। ले चलो इसे। डॉक्टर बख्शी इसे घोड़े वाला इंजेक्शन देगा। क्या सोच रहे हो समीर? उन हवेली में जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस हवेली में तो डॉक्टर विशाल रहते हैं। जानता हूं, इस गूंगे का डॉक्टर विशाल के साथ जरूर कोई ताल्लुक है। नहीं समीर, मैं तुम्हें इस हवेली में नहीं जाने दूंगी। इस हवेली में जो जाता है कभी वापस नहीं आता। तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। नहीं समीर। अहमद, आओ मेरे साथ। समीर आओ, आओ। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल, मुझे यह बताने की तकलीफ फरमाएंगे कि आपने यहां आने की जुर्रत कैसे की? यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे बताइए कि यह सब आप कहां से लेकर आए हैं। मैं समझता हूं मुझे यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको डॉक्टर विशाल, क्योंकि मुझे शक है कि इनका ताल्लुक उन लाशों के साथ है जो कब्र से गायब हो जाती है। पढ़ो इसे, देखो अच्छी तरह। ये सब मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मंगवाए हैं। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। अब तो ठीक समझा आपने, अब जा सकते हैं आप यहां से। ये कनेक्शन गलत था। अच्छी दोस्ती भी खैर राधा श्याम जी ने, कब्रिस्तान में अकेला छोड़ के भाग गए। काफी बिजी ना आप वैसे? ये मेरी बहादुरी है कि मैंने वहां से भागकर तुम्हारी जान बचाई, वरना कब्रिस्तान तुम में और तुम कब्रिस्तान में होते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर विशाल।
कैसे हो? गुड मॉर्निंग डॉक्टर समीर, कल के बाद से मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। नहीं नहीं डॉक्टर समीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बल्कि इसलिए आया था, मेरा मतलब है जो भी छोटे मोटे तजुर्बे मैं कर रहा हूँ वो दिखाऊँ। आप एक नया काबिल डॉक्टर हैं, कल आपने वो मेरा फोटो कॉगुलस अपरेटस ठीक किया, हमारे तो कई दिनों की मेहनत बच गई। डॉक्टर मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मेरे साथ चले। इट्स माय प्लेजर, चलिए। डॉक्टर समीर, लोग कहते हैं कि इंसान मुकम्मल है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, इंसान अधूरा है। हाँ, इंसान में वो खूबियां नहीं जो जानवर में है। जैसे कि देखो ना, चील और बाज की तेज नजर, कुत्ते की सूंघने की शक्ति और चमगादड़ का राडार सिस्टम जिससे वो गहरे अंधेरे में भी देख सकता है। वो तो ठीक है डॉक्टर विशाल, लेकिन इंसान के पास इन सबसे बड़ी शक्ति है दिमाग। सिर्फ दिमाग? अगर इंसान में ये सारी शक्तियां मिल जाएं, तो इंसान मुकम्मल हो सकता है। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर बख्शी, आप कैसे हैं? इंस्पेक्टर लुल्ला। मुल्ला? इंस्पेक्टर मुल्ला, शेर कभी बीमार नहीं पड़ते। ओ, ये आपको जानवर नहीं इंसान समझ के पूछ रहे हैं। इनके दोस्त गुंगे का क्या हाल है? वो तो सरकारी मेहमान है, भूख प्यास लगी तो इशारों से मांग लेता है, मगर मगर कुछ बताता नहीं। चलिए, उसका बाप बताएगा। ए, तो तुम समीर, तुम तो गुंगा है, बोलेगा कैसे? हाथों की जबान से बताएगा। समीर, समीर, छुड़ाइए नहीं, समीर, छोड़ दे। बेजुबान जानवरों पे जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दो और काम करने दो। रॉबर्ट, तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। आई टेल यू द डेट। समीर, इंसान कितना लाचार है, इतनी तरक्की करने के बावजूद भी इंसान का शरीर कितना नामुकम्मल है। डॉक्टर, क्या तुमने कभी सुना है कि रोते रोते चील या बाज की आंखें कमजोर हो गई हो? नो समीर, नो डॉक्टर, आई थिंक इट्स इंटरनल हेमरेज। नो, इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ हिस्टीरिया। डॉक्टर साहब,
मेरे डैडी ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, हम कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। तुमसे कहा है कि सांस मत लो, चली जाओ अभी इसी वक्त चली जाओ। मैं इस घर से हरगिज नहीं जाऊंगी, इसलिए कि मेरे दुनिया में कोई नहीं है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं ताकि तुम उस वैश्य को इस घर में लाकर अयक्षा कर सको। ठीक समझा तुमने। क्या कहा? सही समझा है। मैंने क्या कर दिया? घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खून बह गया, दो चार दिन में ठीक हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर विशाल, आई सी यू टुमारो। थैंक यू समीर। मैं कल सुबह के इंजेक्शन लगा दूंगा। ऑपरेशन आराम से ज्यादा जरूरी है। अच्छा, चाय तो पीते जाओ, मुझे देर हो रही है। अब सुनो, आज जरा जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। डॉक्टर, रिपोर्ट में क्या लिखूं?
बोर्ड को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, इसका ट्रीटमेंट में मैं खुद करूंगा। तुम बड़ी देर कर दी तुमने आज। वो एक बीमार को देखने चला गया था। कर दी उसकी बीमारी दूर। वो समीर अपने घर ले गया था। अगर प्यार से कोई किसी को जहर भी पिलाए तो पी लेना चाहिए। ये दो रानियों के बीच में छक्का कहां से आ गया? फिर तुम शराब लेने के लिए यहां आ गई?
कितनी बार तुम्हें कहा है तुम यहाँ मत आया करो। किसी अंकल मैं क्या करूँ, अगर मैं शराब लेके नहीं गई तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। मैं खाने से हंसी साकी खाली हाथ नहीं जाते, आओ तुम्हें शराब जाम हम देंगे जाने मन। जब तो साथ के बच्चे जवानों के बीच में बुड्ढे छोड़ दो उस लड़की को। क्यों भाई साहब आपकी बहन लगती है? बहन नहीं बेटी लगती है। बहन नहीं मासूक लगती है, मासूक। ये तो पक्का है, टोपी नहीं उतर रही है, पक्का आशिक लगता है, आशिक के जनाजे। धूम से निकले विशाल, इतनी रात गए आप यहाँ? क्या बात है? बात? मैं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा सुना है कि आजकल तुम डॉक्टर विशाल के साथ काम कर रहे हो? जी डैडी, मुझे आदमी को ठीक नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं डैडी, डॉक्टर विशाल एक बहुत काबिल साइंटिस्ट है। होगा, लेकिन उसका रहन सहन बड़ा अजीब सा है। आई एग्री विथ यू, मुझे तो डॉक्टर विशाल शक्ल से ही गुरीला लगता है। ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर बख्शी, मिसाल के तौर पे एक बात है, क्या आपकी शक्ल उल्लू जैसी लगती है? इसका मतलब यह नहीं कि आप उल्लू है। क्या डैडी, आप भी सबके साथ मिलकर डॉक्टर बख्शी का मजाक उड़ाने लगे, आपको कैसे पता कि वो उल्लू नहीं है? Thank you.
डॉक्टर समीर बोल रहा हूँ। यस डॉक्टर। नर्स, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रॉबर्ट का ऑपरेशन कब हुआ था। नो सर, उनका तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। क्या रिपोर्ट में क्या लिखा है? सर, डॉक्टर विशाल ने रिपोर्ट में तो कुछ नहीं लिखवाया, बस उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया था। ओके, थैंक यू। भाई जी,
बड़े साहब, बड़े साहब, सिर्फ 5 रुपए का सवाल है बड़े साहब। दादी जी, मेरा जन्मदिन है आज, भगवान आपकी मुराद पूरी करे। बाबू जी, आपके बच्चे जिंदा रहे, आपको बहुत दौलत दे भगवान। बाबू जी, सिर्फ 5 रुपए। तुमने मेरे को धक्का दिया, एक गरीब को धक्का दिया है, उसके जन्मदिन पर धक्का दिया। सिर्फ 5 रुपए के लिए तुमने मुझको धक्का दिया। भगवान तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा, तुम्हारे बच्चों को ऊपर बुला देगा। तुम मेरे की माफी कंगाल हो जाएगा, तब तुमको मालूम पड़ेगा। क्यों बाबू जी, सोच लिया? पैसे दे रहे हैं, चलिए 5 ना सही 2 ही दे दीजिए, हम फिर भी आपको। चलो समीर, मैं तैयार हूं। क्या हुआ किरण? डॉक्टर विशाल रॉबर्ट का इलाज नहीं, उस पर तजुर्बा कर रहे थे। समीर, समीर, बहुत बुरी खबर है, बेचारा रॉबर्ट मर गया। से भागने की कोशिश मत करो, तुम जानते हो कि रॉबर्ट मर गया है और उसे मारने वाले तुम हो, तुम, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ जहर उसके जिस्म में फैल गया था। हाँ, मुझे अफसोस है, मेरा तजुर्बा नाकाम रहा। तुम्हें अपने तजुर्बे की नाकामी का अफसोस है, लेकिन एक इंसान की मौत का कोई अफसोस नहीं। किसे चाहिए चमगादड़ की आंखें अच्छी और बांस की तेज नजरें? तुम डॉक्टर नहीं, शैतान हो, शैतान। समीर, आज की दुनिया में तुम जैसे साइंसदानों के ऐसे तजुर्बे नहीं चाहिए जहां इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत ना हो। डॉक्टर, मैं फिर तुमसे कह रहा हूं और आखिरी बार कह रहा हूं, इतिहास गवाह है इस बात का कि जब कभी इंसान ने कुदरत या ईश्वर को जीतने की कोशिश की है, उसे मुंह की हानि पड़ी है। तुम फिर मंदिर के पुजारी की तरह बातें कर रहे हो। मैं एक साइंटिस्ट हूं, कादिल नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है इंसानियत की भलाई के लिए किया है। इंसानियत की भलाई या इंसानियत की तबाही के लिए? समीर, समीर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखना, मैं लाखों बेनूर इंसानों की आंखों में रोशनी भर दूंगा। जो खुद अंधेरे में भटक रहा हो वो दूसरों को रोशनी क्या देगा? डॉक्टर, तुम्हें रॉबर्ट के कत्ल की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम क्या करो? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। समीर, तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे।
कौन रोकेगा मुझे? से गायब कर देता था। विशाल तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। नहीं समीर, नहीं, मुझे गलत मत समझो, तुम मुझे गलत मत समझो, मुझे नफरत नहीं, हमदर्दी की नजर से देखो। मैं कोई गुनहगार या कातिल नहीं, एक साइंटिस्ट हूं, साइंटिस्ट। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दो, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दो प्लीज। की बात है, तुम्हारी सारी जिंदगी की मेहनत तुम्हारे गुरूर की तरह चूर चूर हो गई। तुम अपनी मनोज सूरत लेकर फिर यहां आ गई। सूरत तो मेरी मनोज है ही, लेकिन लगता है तुमने अपनी सूरत आईने में बहुत गौर से नहीं देखी। लो देख लो। वही जो तुमने उस बेजुबान जानवर के साथ किया है। डॉक्टर साहब, जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं, यहां है। तुम मगर खाली है, इसलिए इसके अंदर जितना जहर भरा हुआ था वो इस वक्त तुम्हारे जिस्म में है। तू जानती है तूने क्या किया है? हाँ जानती हूँ मैं, मैं जानती हूँ। तुम्हारे अंदर जो जानवर है वो मैं चाहती थी तुम्हारे चेहरे पर आए, ताकि लोग तुम्हारी असलियत को समझ सके। मानो मुझे, मानो मुझे जितनी मर्जी में, मानो मुझे, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। मैं अब जितनी तुम्हारे जहर अंदर है वो कभी छुप नहीं सकता। Thank you.
विशाल बोल रहा हूँ, डॉक्टर विशाल। डॉक्टर समीर घर में है? जी नहीं, वो तो घर पर नहीं है। नहीं है? तुम कौन हो? जी हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन क्या बात है? सुनो किरण, सुनो सुनो, मेरी हालत बहुत खराब है, बहुत खराब। जैसे समीर घर पर आए उससे कहना वो फौरन यहाँ पहुंच जाए। मेरी बीबी ने खाली मुझे चिंगाड़ का सह दे दिया है। गलती से नहीं डॉक्टर साहब, जानबूझकर। अभी तो नहीं जान, तुम तो आधे जानवर हो गए हो। मजा तो तब आएगा जब तुम्हारे चेहरे पर और भी रौनक आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड? बहुत खूबसूरत लग रहे हो डार्लिंग। चुड़ैल के पास मैं देखना चाहती हूँ तुमसे कितना प्यार करती है। तुम मुझे उल्लू कहते थे ना, मुझे जानवर कहते थे ना। अब तो मेरी जान, तुम्हारी अपनी सूरत इतनी भयानक हो जाएगी कि उल्लू ही तुम्हारी सूरत से डरेंगे। डॉक्टर विशाल, तुम अंदर कैसे आई? मैंने बेल बजाई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं। आप ठीक तो है ना डॉक्टर विशाल? समीर कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं, मैं उनके लिए चिट्ठी छोड़कर आई हूँ। आपका फोन आते ही मैं बहुत परेशान हो गई कि पता नहीं आपकी तबीयत कैसी हो। सब ठीक है, तुम जा सकती हो। आपका चेहरा, मैंने कहा ना तुम जा सकती हो। Thank you.
बेटा समीर, डॉक्टर विशाल का फोन आया था, उनकी बीवी ने उन्हें जहर दे दिया है। किरण बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही, अब वहीं गई है। वो क्यों गई? उसे किसे बुलाया जाने के लिए? मैंने ही उसे वहां भेजा है, शायद वो डॉक्टर विशाल की कुछ मदद कर सके। विशाल, डॉक्टर विशाल, कांस्टेबल और इंस्पेक्टर मोहन को लेकर हमारे साथ चलो, जल्दी गाड़ी निकालो। डॉक्टर साहब, परेशान होने की कोई बात नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही हम डॉक्टर विशाल तक पहुंच जाए, उसे पकड़ना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। इंस्पेक्टर, मुझे डॉक्टर विशाल की फिक्र नहीं, किरण की फिक्र है। आपको शायद नहीं मालूम कि वो जहर उसके जिस्म में फैल गया तो इंसान से जानवर बन जाएगा। हेलो सीबीआई, मैं डॉक्टर विशाल बोल रहा हूं। सर, डॉक्टर विशाल। हेलो, मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कपूर बोल रहा हूँ। आप डॉक्टर समीर को अपने पास बुला कर रखिए, मैं फिर फोन करूंगा। हेलो हेलो,
विशाल, डॉक्टर विशाल। आइए। समीर, समीर, यो समीर। कुछ मैडम, कुछ पता चला? नो सर। तुम जॉस को लेकर खंडर में तलाश करो। ओके सर। सर, हाँ, आपका मैसेज। इंस्पेक्टर मुल्ला स्पीकिंग। और इंस्पेक्टर वर्मा हियर। डॉक्टर समीर आपके साथ हैं? ओवर। जी हाँ, वो मेरे साथ हैं। डॉक्टर समीर को फौरन बंबई के मेन पुलिस स्टेशन भेज दीजिए। डॉक्टर विशाल का फोन आया था, उनके लिए मैसेज है। ओवर। मैसेज रिसीव। और डॉक्टर विशाल तो बॉम्बे पहुंच चुका। बॉम्बे? जी हाँ, और आपको बॉम्बे एसपी से फौरन मिलना है। चलिए मेरे साथ। Excuse me. Hello. Hi, darling. Sunita here. हाँ, क्या बोले? मम्मी डैडी हला नहीं करते? अरे यार कमाल है, इतने लंबे चौड़े हो गए हो और अभी भी मम्मी डैडी करते रहते हो। लॉलीपॉप खाओ लॉलीपॉप। अच्छा सुनो, कल सेकंड शो पर जाएंगे हम। ओहो, तुम्हें ठहर नहीं सकते बेवकूफ कहीं के। हा? नहीं डार्लिंग, तुम्हें नहीं कह रही थी। बाहर पे बदतमीज आदमी खड़ा हुआ है, कब से तंग किए जा रहा है। मारूंगी शरारती कहीं के। कपूर, why don't you understand? जहर केसों से डॉक्टर विशाल कुछ भी कर सकता है। विशाल को फौरन तलाश कीजिए, वरना किरण की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। पता नहीं उस कन्या पे क्या बीत रही होगी। हमारी सारी पुलिस फोर्स उसकी तलाश में लगी हुई है, लेकिन आपका यहां रहना बहुत जरूरी है। क्यों? डॉक्टर विशाल ने टेलीफोन किया, वो आपसे बात करना चाहता है। मुझे यकीन है वो फिर फोन करेगा।
यही छोड़ेंगे, दिल यही छोड़ेंगे। मेरी चाह कहो हाँ, आज नहीं छोड़ेंगे, दिल यही छोड़ेंगे। विशाल, हम तुम्हारा इलाज करेंगे, लेकिन पहले तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरी बीवी की मौत का इल्जाम मेरे सर पर है। डॉक्टर विशाल, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, अगर तुमने जल्दी ही जहर उतारने की दवा मुझे नहीं दी तो मेरी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हाईवे पुणे माइलस्टोन 73। हेलो हेलो, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरी बीवी की मौत का इल्जाम मेरे सर पर है। ये म्यूजिक की आवाज कैसी है? सर, मेरा ख्याल है ये किसी नाइट क्लब या होटल कैबिन डांस की म्यूजिक है। कितनी अजीब बात है, मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और डॉक्टर विशाल किरण को कैबिन डांस दिखाने ले गया। बख्शी, विल यू शट अप? सर, कहीं ये होटल मेफेयर तो नहीं?
विशाल। विशाल ये क्या हालत बना रखी तुमने अपनी? कहाँ थे इतने दिन? मेरी याद नहीं आई? विशाल के पास जाना होगा। लेट्स गो इंस्पेक्टर, मैं अकेला जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ गए तो किसी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन प्लीज इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। अभी मेजर, अभी मेजर के बच्चे इधर इधर। क्या बात है? किरण मिल गई है? किरण मिल गई? हाँ। कहाँ है? बॉम्बे हॉस्पिटल में है। बॉम्बे हॉस्पिटल में? ठीक तो है ना? अरे फिक्र न कर, बिल्कुल ठीक ठाक है। भैया तुम आज ही जाके किरण को ले आओ। अच्छी बात। बड़ी स्पीड में जी गड्डी चला रहे हैं, वो ठहर जा और मैं क्या रुकूं? प्यो नहीं सड़क है? कोते दा पुत्र। किथे जा रहे हो बादशाह? पुणे। पुणे? गड्डी च की समान है? मैं पूछना, गड्डी में क्या समान है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो लाइसेंस ले सकते हो? लाइसेंस कटो। लाइसेंस जरूरत नहीं। वो कमाल है, तुम्हें तो गड्डी का नंबर नहीं मालूम? गड्डी तुम्हारी है कि चोरी थी? वह बोलना क्यों नहीं? मफलर च मुंह क्यों छुपा रखा है? बड़ी टोपी पा रखी है वह कड़े नु अंग्रेज का पुत्र। तुम कौन हो जी? तुम कौन हो? No, 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 no
विशाल का चेहरा एंटीडोस लाया किरण कहां है? मेरे बाद का जवाब दो एंटीडोस मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है। मुझ पर भरोसा रखिए डॉक्टर विशाल, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक एंटीडोट तैयार करने के लिए। आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। डॉक्टर समीर, हमें अभी इंस्पेक्टर नायक से खबर मिली है कि किरण मिल गई है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है। रो मत बेटे, रो मत, अब तो सब ठीक हो गया है ना? हैप्पी एंडिंग। थैंक यू। देखो बेटे, देखो कौन आया है, देखो। सी हु हैज कम, आवर गॉडफादर मालन ब्रांडो। कैसे हो बेटे? ठीक हूं अंकल। बैठो बेटा। डॉक्टर साहब, चलिए हम लोग जरा बाहर चलते हैं। आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं यहाँ आराम से हूँ। आई लाइक द क्लाइमेट हियर। अरे अच्छा, आप समझते क्यों नहीं हो? सॉरी सॉरी, हम लोग अभी आते हैं बेटे। आई विल कम बैक अगेन। क्या किरण? किरण समीर, डॉक्टर विशाल ने अपनी बीवी को मार डाला। समीर मुझे मालूम है,
पर अब घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर विशाल पकड़ा गया है। कहाँ है वो? इसी अस्पताल में, फोर्थ फ्लोर पर। क्या वो बिल्कुल जानवर बन चुका है? हाँ, उसकी आवाज चली गई है और शक्ल बदलती जा रही है। अरे डॉक्टर समीर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नहीं अभी नहीं सर, प्लीज आप इसको, आई हैव नथिंग, एक मिनट सर, डॉक्टर साहब प्लीज, ओके डॉक्टर साहब, प्लीज क्या आपको यकीन नहीं है डॉक्टर विशाल है? आपको कोई शक है? उनको इंसान बनने में कितना वक्त लगेगा? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मशीनों के हवाले। वो किस किस्म के जानवर बन गए? मेरा मतलब है गोश्त खाते हैं या घास खाते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे सवाल करते हुए। आपको एक इंसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि डॉक्टर विशाल की फोटो सबसे पहले मेरी अखबार में छपे, इसलिए इजाजत चाहता हूँ सिर्फ। सॉरी नो फोटोग्राफ्स, क्योंकि आपके फ्लैश के साथ उनकी हालत और खराब हो सकती है। आप ऐसे क्वाइट क्वाइट, आप लोग मेहरबानी करके कल लंच के बाद आइए। चलो यहाँ से सर, प्लीज आपकी एक फोटोग्राफ। ओके होल्ड ऑन, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज गो, लीव मी अलोन। लाइट्स ऑफ, ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल, क्या तुम मुझे पहचानते हो? बोलने की कोशिश करो, कोशिश करो डॉक्टर विशाल, बोलो। डॉक्टर समीर, क्या आप समझते हैं ये ठीक हो जाएंगे? नो चांस, जहर उसके सारे दिमाग में छा गया है। वो सुन सकता है मगर सोचने और समझने की ताकत आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। नो थैंक यू, मैं सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट पीना मेरी सेहत के लिए बहुत खराब है। आपने कभी किसी जानवर को सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं ना, इसलिए जानवरों की तंदुरुस्ती इंसान से ज्यादा अच्छी होती है। लगता है आपको जानवरों के बारे में बहुत जानकारी। डेफिनेटली, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, स्पेशली घोड़ों का, गधों का। यहाँ आपको डॉक्टर विशाल के इलाज के लिए बुलाया है? डेफिनेटली डेफिनेटली, ये लोग मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते, एक इंजेक्शन भी नहीं हिला सकते। आप मेरी मदद कर सकते हैं? ऑफकोर्स ऑफकोर्स, मुझे डॉक्टर विशाल का एक फोटो लेना है, सिर्फ एक। इम्पॉसिबल, आप जानते हैं मैं खुद अंदर नहीं जा सकता। किसी और को मत बोलिएगा, प्लीज प्लीज, डोंट टेल एनीवन, डोंट टेल एनीवन। बास्टर्ड, Thank you.
हेलो डॉक्टर समीर, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। और अपने साथ किरण को भी ले गया है। क्या? जी हाँ, हमारा ख्याल है वो अभी भी अस्पताल में है। हमने अस्पताल चारों तरफ से घेर लिया है, आप फौरन यहाँ पहुंच जाइए। ओके। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? जी नहीं, अभी तक अस्पताल के अंदर ही है। अरे डॉक्टर समीर, आप अंदर नहीं जा सकते, आई एम सॉरी। Come on in.
पूरा जानवर बन चुका है। मुझे बचाओ सभी। नहीं इंस्पेक्टर, गोली मत चलाओ, नहीं तो किन्हीं को थकल देगा। इंस्पेक्टर वर्मा, तुम इंस्पेक्टर मुल्ला और कुछ कांस्टेबल्स को लेकर ऊपर जाओ। ओके सर। और देखो गोली मत चलाना। राइट सर। चलो। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा मुंह देखने से कोई फायदा नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, हमें अपना करना चाहिए। इस आधे जानवर को छत से नीचे मैं उतारूंगा, जानवर की नस्ल पहचानना मेरा पेशा है। फॉलो मी, चलो, मेरे आगे आओ, हिम्मत करो। Thank you.
डॉक्टर समीर, लोग कहते हैं कि इंसान मुकम्मल है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, इंसान अधूरा है।